हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मोदक की रेसिपी। ये मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस मोदक को मैंने 1 कप गेहूं के आटे से बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें आपको ना ही मावे का इस्तेमाल करना, ना ही मिल्क पाउडर का, फिर भी ये मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच के लगभग घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे यहाँ 1 चम्मच के लगभग तेल। मैं यहाँ पे ब्राउन तेल का इस्तेमाल करूँ, आप वाइट तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ, साथ ही में इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही, यानी कि नारियल का बुरादा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। तो देख सकते फ्रेंड, यहाँ पे इसका कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। तो बस इस तरीके से आप इन्हें अच्छे से भून लीजिएगा। तो बस अभी से स्टेज पे मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। पहले मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ काजू ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे बादाम, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर किशमिश। आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं आप उसे डाल सकते हैं, अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ड्राई फ्रूट को भी हल्का सा 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट है काफ़ी अच्छे से भून चुके हुए हैं। तो इसी स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है और इन सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून करके आप इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भून के निकाल लिया। अब इनका यूज हम बाद में करेंगे तो इसे रख देते हैं साइड में। तो दूसरी तरफ आप इस कढ़ाई में डाल देना है यहाँ पे 1/2 कप के लगभग घी। तो घी डालने के बाद अब घी को अच्छे से मेल्ट होने देना, घी अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप गेहूं का आटा। तो 1 कप गेहूं के आटे के लिए आप 1/2 कप घी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके जो मोदक होंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बस इसे आप लो फ्लेम पे लगातार चलाते जाइएगा और गेहूं के आटे को अच्छे से भून लेंगे। तो जितने अच्छे से आप गेहूं के आटे को भून करके तैयार करेंगे तो आपके मोदक का जो टेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से हम लगातार चलाते जाएंगे और आटे को बढ़िया सा भून करके हम इसे तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं भूनते हुए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आटे का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पे 8 से 10 मिनट आटे को अच्छे से भून करके हमें तैयार कर लेना है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आने लगा है आटे में। तो अभी मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, अभी इससे भी थोड़ा सा डार्क और भूनेंगे ताकि बहुत ही अच्छा टेस्टी ये मोदक बने। और देख सकते हैं यहाँ पर आटे का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका, बिल्कुल ऐसे ही कलर रखिएगा, देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से निकाल लूँगी। तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा, इसके बाद आटे को अच्छे से निकाल लीजिएगा एक बर्तन में। तो यहाँ पे आटा रेडी, इसे रख देंगे साइड में। दूसरी तरफ कढ़ाई में डाल देना है यहाँ पे आपको 2 कप के लगभग दूध। तो आज जो फ्रेंड मैं मोदक बनाने वाली हूँ आटे का, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पर मैं 1/2 कप के लगभग शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार इसमें शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो बस इनको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इस दूध में और देख सकते हैं यहाँ पे शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें अब ऐड करूँगी यहाँ पर ये जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे इसे डाल देते हैं 2 चम्मच के लगभग और इनको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और आपको यहाँ पर ज़्यादा दूध को अच्छे से पकाना नहीं है, बस दूध में एक बॉयल आने लगे और यहाँ पर शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस इसी स्टेज पर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है आटा। तो थोड़ा थोड़ा आटा इसमें ऐड कीजिएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आटा अच्छे से इनमें ऐड कर दीजिए और इनको बढ़िया सा मिक्स कीजिए। जब आटा ऐड कर रहे हो फ्रेंड तो गैस का जो फ्लेम है आप उसे थोड़ा सा लो कीजिएगा, क्योंकि जो आटा होता है वो दूध को बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और देख सकते हैं कितने बढ़िया से दूध को आटे ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते जाएंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड आटा पहले से ही पका हुआ है तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जिसे मैंने भून के रखा था, थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पर।
अब इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें बहुत ही अच्छे से शाइन आ जाएगी। और इसे बढ़िया सा मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड ये मोदक बनते हैं आटे के। और देख सकते हैं मैंने इनको बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। तो जब भी इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, गैस का फ्लेम एकदम लो ही कीजिएगा। और देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा मोदक का एकदम डो अच्छे से तैयार हो चुका है मिक्स। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, मैंने इसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया था, इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। एकदम ठंडा ना कीजिएगा, हल्का सा गुनगुना रहे फ्रेंड, तो आप इसी स्टेज पे आप इसके मोदक बना लीजिएगा। तो मैंने इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लिया क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए अब इसे अच्छे से मसल के थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं डो को। ये देखिए तरीके से मैंने इस डो को थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा चिकना कर लिया है डो को। अब हम चलते हैं मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए मोदक वाला मैंने मोल्ड ले लिया है, देख सकते हैं। आपको इसलिए मार्केट में मिल जाएगा, तो गणेश चतुर्थी आ गई है फ्रेंड, तो आपको ये बहुत ईजी मिल जाता है, आप इस मोल्ड से मोदक को बना सकते हैं। तो अब करना क्या फ्रेंड, पहले मोल्ड को घी से ग्रीस कर लीजिएगा, इसके बाद इसमें इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लीजिएगा मोदक का और इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके बाद इसे अच्छे से फिंगर से चारों तरफ अच्छे से मोल्ड में फैला दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो इस तरीके से आप अच्छे से पहले फैला दीजिएगा, तो इससे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन जाती है। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिल करते जाइएगा। तो आप इसकी स्टफिंग वाले भी मोदक बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे स्टफिंग वाले मोदक नहीं बना रही क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इनको बढ़िया सा फिल कर देंगे, देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे और इसे अच्छे से फिल करके ये देखिए हमारा मोदक अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ये मोदक का लुक आया फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मोदक देखने में। देख सकते हैं कितना प्यारा सा, कितनी सुंदर सी इस मोदक की डिज़ाइन आई है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड मोदक, आप इस मोल्ड से कई सारे मोदक बहुत ही कम टाइम में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर से मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना ज़्यादा सुंदर ये मोदक लग रहे हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पे अपने गणपति बप्पा को खुश कीजिए, इस मोदक को बनाइए फ्रेंड। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो गणपति बप्पा के लिए एक लाइक ज़रूर करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर दिन ऐसी नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इस मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये मोदक गेहूं के आटे के बने हुए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो देख सकते हैं ये मोदक का लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तोड़ के मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा परफेक्ट है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।